वेलकम टू न्यूज क्लिक। नमस्कार, आदाब, मैं परंजॉय गुहा ठाकुरता हूं और आज मेरा साथ विद्या कृष्णन, वरिष्ठ पत्रकार। इन्होंने ये स्वास्थ्य विषय के ऊपर लगभग 18 साल इन्होंने अलग अलग वेबसाइट पत्रिका में इनका लेख प्रकाश किया गया है और इससे पहले वो हिंदू अखबार के स्वास्थ्य विभाग का संपादक थे। शी वॉज हेल्थ एडिटर ऑफ द हिंदू। धन्यवाद विद्या जी, आपका समय आपने हमें दिया। तो आज शुरू करते हैं, जो 28 में जो हमारे देश के जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि जिन लोग आज सरकार का आलोचना कर रहे हैं, सरकार का टिप्पणी कर रहे हैं, और इसमें पत्रकार भी हैं, दे आर प्रोफेट्स ऑफ डूम, यानी कि कयामत की पैगंबर। उनका कहना है कि हमारे मीडिया के कुछ लोग हैं वो सिर्फ सरकार का आलोचना कर रहे हैं, सरकार जो काम कर रहे हैं इसको तारीफ नहीं कर रहे। और उन्होंने उल्लेख किया दक्षिण अफ्रीका में केविन कार्टर, एक जाने माने फोटोग्राफर थे, और मार्च 1993 में सूडान में, वहां पे एक अकाल चल रहे थे, वहां पे 9 साल एक सिविल वॉर, एक गृह युद्ध चल रहे थे और लगभग 8 लाख लोग भूखमरी में मरे थे। तो केविन कार्टर वहां जाके एक तस्वीर खींचा, एक गिद्ध और एक छोटा बच्चा, और न्यूयॉर्क टाइम्स इसको 26 मार्च 1993 में ये छपा, उसको पुरस्कार मिला और लोग कहा कि सूडान में जो अकाल चल रहे हैं इस विषय के ऊपर पूरा विश्व का दृष्टि आपने आकर्षण किया। मगर बहुत लोग केविन कार्टर को उनका जो भी वो तस्वीर खींचने, जिस तरह से उन्होंने खींचा, उसका आलोचना किया, टिप्पणी किया, क्योंकि वो 20 मिनट इंतजार किया और फिर 20 मिनट के बाद तस्वीर खींचने के बाद वो गिद्ध को, वो वल्चर को वहां से हटा दिया। तो हमारे माननीय सॉलिसिटर जनरल 28वें सुप्रीम कोर्ट में, सबसे उच्च न्यायालय में कहा, ऐसे कुछ फोटोग्राफर है जो खुद वल्चर्स है, खुद गिद्ध है। इस विषय में आपने कैरवैन में आपका एक लेख छपा। मेरे को बहुत सारे सवाल है आपसे, हम सवाल उठाना चाहते हैं, मगर ये जो पूरा जो घटना हुई, और एक पुराना कहानी जो केविन कार्टर के साथ हमारे तुषार मेहता जी जिस तरह से तुलना किया, ये करना चाहिए था, करना चाहिए था या नहीं, इस पे तो ये सवाल तो मिस्टर तुषार मेहता इसका जवाब दे सकते हैं। मैं जो जवाब दूंगी, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ जर्नलिस्ट। हम लोगों का एक काम होता है और बहुत ही हर प्रोफेशन के कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एथिक्स होते हैं, एक काम करने का तरीका होता है, और पत्रकारों का भी एक ऐसे कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। अब गुड फेथ में अगर ये बात करी जाए, अगर फेस वैल्यू पे मिस्टर मेहता के कमेंट्स लें, तो बहुत ही अ वेरी चैरिटेबल वे टू अंडरस्टैंड इट इज कि ही डजंट नो हाउ जर्नलिज्म वर्क्स। इट इज एक तो ऐसा टाइम चल रहा है पिछले 4 महीने से कि इंडियन जर्नलिस्ट, मैं जैसा कि आपने बोला, मैं 18 साल से अस्पतालों और एपिडेमिक्स और इन सब चीजों के बारे में लिख रही हूँ, पर मैंने भी ऐसा कभी टाइम नहीं देखा है कि हर तरफ अस्पतालों में लोग मर रहे हैं, सड़कों पे लोग मर रहे हैं, और जो उन लोगों की कहानियां सुना रहे हैं, द फैक्ट इज कि सुप्रीम कोर्ट ने इवेंचुअली लगभग 60 दिन बाद सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है इस बात का कि माइग्रेंट्स अपने घर पहुंचते पहुंचते मर जा रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास पीने को नहीं है, ट्रेन में पानी नहीं है। ये सारी जो इश्यूज आज जिन पे बात हो रही है वो पता ही इस वजह से है क्योंकि कोई रिपोर्टर वहां गया और उसने इस बात की इसको फोटो खींची, इस पे खबर लिखी।
अब ये शूट द मैसेंजर वाला जो इश्यू है, इसको जर्नलिज्म एथिक्स में काफी स्टडी किया गया है. केविन कार्टर इन पर्टिकुलर एक मिसाल बन गए हैं केविन कार्टर इस बात की. बट ही वाज अ ब्रिलियंट फोटो जर्नलिस्ट जो अपनी जान जोखिम में डाल के ऐसी ऐसी जगह जाते थे जहां लोग नहीं जा सकते. पर बात यह है कि when you go and report on disturbing stories, you come back with images, या आप या कहानियां लेके आते हैं या आप विजुअल्स लेके आते हैं जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, जो इंडियन रिच मिडिल क्लास, जिसकी भी बार बार ये बात हो रही है कि द फैक्ट कि हमारे यहाँ इतना मॉरल एपथी है इज बिकॉज हमारा अपर क्लास पीपल आर ग्रीडी एंड नॉट रेडी टू हेल्प. नाउ व्हेन दे आर प्रेजेंटेड विद अ इमोशनली डिस्टर्बिंग इमेज, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग द सिस्टम्स दैट लेड टू दिस इनजस्टिस, they choose a simpler, it's simpler morally and emotionally to just blame the reporter जो ये बुरी खबर लेकर आया है. अब आप मैसेंजर को शूट कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, पर जो हो रहा है वो होना बंद नहीं होगा. और रिपोर्टरों को किसी भी हालत में ब्लेम करके कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यही तुषार मेहता जी ने 31 मार्च को इसी सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि एक भी माइग्रेंट सड़क पे नहीं है. और आज मैं आपको रोक रहा हूं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 31 मार्च में यही तुषार मेहता जी, हमारे गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला जी ने कहा, और अंग्रेजी में उन्होंने लिखा, देयर इज नो पर्सन वॉकिंग इन द रोड्स इन एन अटेम्प्ट टू रीच हिज स्ट्रोक हर होम टाउन विलेजेस. तो सचमुच ये तो एक तरह से झूठ था, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारे लोग शहर छोड़ के पलायन किया, राजमार्ग में, सड़कों में हमारे प्रवासी मजदूर बहुत सारे हमने रिपोर्ट किया. हम टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, वहां धनंजय मित्र महापात्रा से तुषार मेहता जी एक साक्षात्कार में, एक तरह से वो पीछे चले गए, दो कदम हम पीछे चले गए, ही इज बैक ट्रैक. वो बोला नहीं नहीं, मैंने पत्रकार को वल्चर्स के साथ या गिद्ध के साथ तुलना नहीं करता है, मेरा जो दुख है स्पीच वॉरियर, जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, एनजीओज है, और सिर्फ ये नेगेटिविटी, वो सरकार जो भी कर रहे एक भी अच्छी चीज नहीं मिल रहा है. ये है तुषार मेहता जी के बाद. हम वापस चले आते हैं केविन कार्टर के कहानी. आपने सूजन सोंटैग, वो जाने माने लेखक है, वो वृत्त चित्र बनाते हैं, उनका उन्होंने ये जो एथिकल डायलेमा, जो एक नीतिगत एक जो समस्या है जो हर पत्रकार के सामने आते हैं, आपके सामने आप कुछ देख रहे हैं जो अत्यंत आपको आपका मन के अंदर और आप आपके सामने जो देख रहे हैं, आप अत्यंत आपका मानसिक उत्तेजना भर गया. तो आपका काम क्या है? इज योर जॉब टू इंटरवीन और इज योर जॉब टू रिकॉर्ड? आप क्या पहले हस्तक्षेप करेंगे, या आप अपने अभिलेख या अभिलेख थी आप करेंगे? विल यू रिकॉर्ड द इवेंट फर्स्ट और विल यू इंटरवीन फर्स्ट? और आप एक साथ शायद दोनों नहीं कर पाएंगे. और तुषार मेहता जी ने उल्लेख किया था, और हम देखा कि पुलित्जर प्राइज केविन कार्टर को मिला था मई 1994 में उनको पुलित्जर प्राइज मिला था, मगर 1994 में, मगर उसके एक साल के आसपास, डेढ़ साल से थोड़ा कम, 27 जुलाई 1994 में उन्होंने आत्महत्या किया. मैं ये उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि तुषार मेहता भी ये उल्लेख किया था, और जिस तरह से उन्होंने मरा था ये तो बहुत ही, इट्स नॉट जस्ट सैड, ही इनहेल कार्बन मोनोक्साइड, गाड़ी के जो कार्बन मोनोक्साइड था वो उन्होंने इनहेल किया था, और ही वॉज हिमसेल्फ वेरी वेरी ट्रबल्ड मैन, उसका बहुत कमियत है. उनका जो आत्महत्या करने के पहले उन्होंने नोट में लिखा था, आई एम डिप्रेस्ड विदाउट मनी फॉर चाइल्ड सपोर्ट, आई एम हॉन्टेड बाई विविड मेमोरीज ऑफ किलिंग्स एंड कॉर्पसेस, एंगर एंड पेन ऑफ स्टार्विंग ऑफ वाउंडेड चिल्ड्रन और ट्रिगर हैप्पी मैडमैन ऑफन पुलिस ऑफ किलर एग्जीक्यूशनर्स. तो एक तरह से केविन कार्टर ने खुद बहुत ही एक तरह से वो डिप्रेस्ड था,
वो सब्सटेंस अब्यूज कर रहे थे, वो नशीली वस्तु ले रहे थे, अपने बच्चों के लिए पैसा, उनको रोजगार नहीं मिल रहे थे, और ही वॉज अ वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड मैन। और जब आत्महत्या किया तो ये विषय के ऊपर भी तुषार मेहता उल्लेख किया। मगर आप इस तरह से तुलना करना आज के जमाने में जो कोविड का जो एक एक तरह से जो एक पैंडेमिक एक 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 हम देख रहे पूरा देश में यह महामारी फैल गया, तो इस तरह से जो भी पत्रकार अपना काम कर रहे हैं, जो भी फोटोग्राफर्स अपना काम कर रहे हैं, इस तरह से आलोचना करना उचित? अगेन, ये उचित था या नहीं इसका ये सवाल भी तुषार मेहता जी से करना चाहिए, मुझसे नहीं। जहां तक उनका मेरे प्रोफेशन के बारे में जो ओपिनियन है, I can only say that reporters अपनी जान जोखिम में डाल के रिपोर्टिंग कर रहे हैं आज की तारीख में। 6 साल से ये सरकार जब से पावर में आई है, इन्होंने ना तो एक जर्नलिस्ट को अपना इंटरव्यू दिया है जिसमें जो स्क्रिप्टेड ना हो। इनके जो जर्नलिस्ट हैं, जो राइट विंग जर्नलिस्ट हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट से भी सपोर्ट मिलता है, उनको बीजेपी की ट्रोल आर्मी से भी सपोर्ट मिलता है। जो जर्नलिस्ट आज की तारीख में सड़कों पे हैं और अपने जूते उतार के श्रमिकों को दे रहे हैं जो घर जा रहे हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वो अपने पैसों से और अपनी जान का रिस्क लेके रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं क्योंकि एक पैंडेमिक फैल रहा है। और इफ अ कम्युनिटी इज डजंट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, इट कैन नॉट प्रोटेक्ट इटसेल्फ। अगर आप ये बार बार बात घूम के इस बात पे आती है कि जर्नलिस्टों को प्रॉब्लम बनाना, पत्रकार प्रॉब्लम है और पत्रकार बोलियां करते हैं। हमारा, मैंने कांग्रेस की गवर्नमेंट्स पे भी रिपोर्ट किया है, मैंने बीजेपी जब से बीजेपी पावर में है उन पे भी रिपोर्ट किया है। ये बीजेपी या कांग्रेस के अगेंस्ट रिपोर्टर नहीं है। हमारा काम सिंपली ये है कि जो पावरलेस हैं, जिनकी कोई आवाज नहीं है, उनकी आवाज एट दिस क्रिटिकल पॉइंट इन हिस्ट्री, उनके साथ क्या बीत रही है, इसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। क्योंकि मोदी जी के साथ जो हो रहा है उसके तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स है ना, मन की बात पे भी उनका रिकॉर्ड है, अखबारों में भी उनकी चिट्ठियां आ रही हैं, हर हफ्ते वो टीवी पे आके अपनी तरफ के बयान तो वो देते ही रहते हैं, ट्विटर पे भी और हर जगह पे भी। अब जो माइग्रेंट है वो घर जा रहा है, उसकी तरफ का बयान कौन सुन रहा है? और अगर कोई जर्नलिस्ट जाके उनकी तरफ की कहानी सुन रहा है और आप उन्हीं को अटैक करेंगे, तो इसके लिए एक इट रिमाइंड्स मी ऑफ व्हाट जेम्स बॉल्डविन सेड अबाउट द राइट टू क्रिटिसाइज योर कंट्री। And I feel the same way. This is, India is my home and I love my country. And for that very reason, I have the right to criticize her endlessly because I want her to improve. How else? I have one more point to make about this. Constantly coming back to how Kevin Carter had mental health issues and Kevin Carter killed himself. केविन कार्टर स्टेबल आदमी नहीं था और बुरा फ्लॉज केविन कार्टर में थे। फर्स्टली द वे, जिस तरह से केविन कार्टर की बात हो रही है, इट इज नॉट सेंसिटिव फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। इन द रिपोर्ट आई रोट देर आर वेरी स्पेसिफिक रीजंस दैट आई डिड नॉट राइट अबाउट एग्जैक्टली हाउ ही कमिटेड सुसाइड बिकॉज देर आर कॉपीकैट सुसाइड्स, देर आर वेज टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज। एंड आई एम रियली शॉक्ड दैट इन द हाईएस्ट लैंड इन द कोर्ट आवर सॉलिसिटर जनरल pulled up a suicide that he did not know about and very wrongly attributed it to the journalism that he is doing. And there are levels of insensitivity in this which needs to be called out from a public health point of view also, but from also a very irresponsible situation when you're holding a very powerful office, public office, and you're using that to shame journalists. He is the second most important, he's also the second most important law officer of the country. वो जो दूसरे स्तर में है, और आज शायद वो उसको लग रहा है कि हम जिस तरह से कहा था हमें कहना नहीं चाहिए, इसीलिए वो टाइम्स ऑफ इंडिया का धनंजय महापात्रा को बोला, नहीं नहीं मैं सचमुच तुलना नहीं किया पत्रकार को ये वल्चर्स के साथ, गिद्ध के साथ। मगर एक चीज मैं कहना चाहता हूँ,
अब मीडिया में देखिए कुछ जो ये तुषार मेहता जी जो भी कहा था इसके ऊपर इसका क्या क्या रिएक्शन है। ऑल्ट न्यूज, इन्होंने कहा कि उन्होंने हूबहू वर्ड बाय वर्ड एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड में जो लिखा हुआ था वही पढ़के कोर्ट के सामने, सबसे उच्च न्यायालय के सामने उन्होंने पढ़के सुना। बद्री रायना वायर में लिख रहे थे, उन्होंने कहा सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता शुड बी इन पॉलिटिक्स नॉट इन कोर्ट, वो उसको राजनीति में रहना चाहिए, हमारा अदालत में नहीं। इंडियन एक्सप्रेस का जो एक एडिटोरियल है उन्होंने कहा जिस तरह से सोलिसिटर जनरल जी बात कर रहे थे, हेक्टरिंग, बुलिंग, धमकी, एक तरह से धमकी दे रहे, इज ही सजेस्टिंग दैट क्रिटिसिज्म बाय एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट ऑपोजिशन एंड कोर्ट इज अनवेलकम, मतलब वो सवाल उठा रहे कि जो भी सरकार का आलोचना करे ये सब लोग क्या आप ये पसंद नहीं करेंगे, आप जैसे लोग आपको तो देशद्रोही बना दिया। आउटलुक का संपादक रूबेन बैनर्जी ने कहा कि वल्चर्स जो सचमुच गिद्ध है हमारे देश में उनका संख्या दिन के दिन कम हो रहा है, दे आर बिकमिंग इंस्टिंक्ट, और उन्होंने कहा अगर इस तरह से सोलिसिटर जनरल बात करेंगे तो आई एम हैप्पी टू बी वल्चर इन चीफ। और एसोसिएशन एक फोटोग्राफर्स का एसोसिएशन है, ऑल इंडिया वर्किंग न्यूज कैमरामैन एसोसिएशन, वो भी कहा कि इस तरह से तुलना करना नहीं चाहिए था। मेरा सवाल ये है आपसे कि आप लोग कह रहे आप देशद्रोही हैं क्योंकि आपने जो रिपोर्टिंग किया कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, तो आपको कह दिया कि आप देशभक्त नहीं है, तो आज क्या हो इस स्थिति में हो गया कि हमारे सामने जैसे हम तस्वीर देख रहे जो केविन कार्टर भी दिया था, हम देख रहे एक प्रवासी मजदूर के सामने एक मरे हुए कुत्ता है, कुत्ता का लाश पड़ा हुआ है और इतने भूखे हैं वो क्या सोच रहे, हम देख रहे एक बच्ची जो माँ मरे हुए है रेलवे स्टेशन में, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन में, वो इतने छोटे बच्चे उसको मालूम भी नहीं है उसका माँ गुजर गए हैं मरे हुए हैं, फिर वो उनका चादर हटा रहे, हम दिन के दिन हम देख रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन के ऊपर, हमारे व्हाट्सएप वीडियो के ऊपर, तो पत्रकार का क्या भूमिका है इस विषय के ऊपर, आप और भी दो चार बात हमें कीजिए। मैं इसमें भी देखिए पत्रकार का जो रोल होता है इन देयर एजुकेशन, अ लॉट ऑफ दिस रिपोर्टिंग, उनके मॉरल कॉम्पस, उनकी पर्सनल आइडियोलॉजी क्या है, आर यू काइंड, आर यू एम्पथेटिक, व्हेन यू गो एंड सी समवन हु इज डाइंग व्हाट डू यू डू, ये सब तो बहुत ही इंडिविजुअल, हमारी पर्सनैलिटी क्या है वो डिक्टेट करेगा। एज अ जर्नलिस्ट, यू आर कंसिडर्ड जर्नलिस्ट, अगर आपको फील्ड में भेजा गया है तो आप करेक्ट इंफॉर्मेशन लेकर आइए एंड उसका कॉन्टेक्स्ट लूज करे बिना एज क्लोज टू द फैक्ट्स दैट यू कैन बी। आप जो अंडरडॉग हैं, जिनकी जिनकी आवाज आप गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाह रहे हैं, चाहे वो कोई भी सत्ता में हो, उनकी तरफ की कहानी लिखना इज व्हाट आई कंसिडर माय जॉब इज। मैं सोशल सेक्टर कवर करती हूँ, मैं स्टॉक मार्केट नहीं कवर करती, और हेल्थ सेक्टर के अलग ही लॉज हैं। इंडिया ने ग्लोबल ट्रीटी साइन करी हैं जिसमें सर्टन थिंग्स वी हैव अग्रीड टू। कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया में एवरी इंडियन सिटीजन हैज अ राइट टू हेल्थ। अब वो जो लॉज इंडिया गारंटी करती है उसके हिसाब से मेरा एंड मेरी जितनी समझ है इसको लेके, आई डू द बेस्ट ऑफ माय रिपोर्टिंग। ये आप किसी को भी नहीं कहा जा सकता है कि आप मदद करिए या ना करिए, ये तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि आप जिस पोजीशन में हैं, और आप अगर मदद करने की सिचुएशन में हैं तो आप करिए। लाइक मेरा पर्सनल इसमें स्टैंड ये है कि पहले मैं अपनी रिपोर्टिंग खत्म करती हूँ, और आफ्टर आई फाइल माई रिपोर्ट में जो मदद कर सकती हूँ मैं वो करती हूँ, बट वो स्टोरी नहीं है, उसके बारे में लिखती नहीं हूँ मैं, क्योंकि वो मेरी रिपोर्टिंग के साथ रिलेटेड नहीं है। सो उसका और जर्नलिज्म का कोई लेना देना नहीं है। हर आदमी को ही ज्यादा मदद करनी चाहिए, उसका वो वकील है, जर्नलिस्ट है, डॉक्टर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर इफ यू कैन डू मोर देन व्हाट यू डू राइट नाउ, दैट इज व्हाट आवर सोसाइटी नीड्स, बट दैट्स नॉट माई जॉब। माई जॉब सिंपली इज टू गो एंड बी अ विटनेस टू व्हाट इज हैपनिंग, रिकॉर्ड इट टू द ट्रूएस्ट सेंस, एंड दैट्स व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टूडे। But I do have another point about this degrees of in people call me a traitor, people call me anti-national. I am an Indian citizen, and nobody, including the current government in power,
can certify my Indianness to me. I am an Indian, and the way I was brought up, the idea of India that I was brought up with is that it is a secular nation. We are, India is nothing if it's not plural. And गरीब जो लोग हैं वो तो किसी भी देश में कहीं पर भी अगर मेरे पास चार रोटी है और किसी को अगर एक रोटी चाहिए और एक बच्चा भूखा मर रहा है तो ये तो इट्स कॉमन डिसेंसी कि यू डू व्हाट यू वांट. अगर आपको जर्नलिस्टों से ये उम्मीद है, अगर आपको पत्रकारों से ये उम्मीद है कि वो जहां बाहर जा रहे हैं वो श्रमिकों की मदद करें, या आज की तारीख में जो मरीज हैं अस्पतालों में जिनको टेस्टिंग किट्स के दे कांट अफोर्ड टेस्टिंग किट्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि वो दे कांट अफोर्ड द बिल्स, अगर आपको उनके बारे में बुरा लग रहा है और आप पत्रकारों से ये उम्मीद करते हैं कि वो उनकी मदद करें, तो आप यही उम्मीद सरकार से क्यों नहीं करते? यही सवाल जो आप पत्रकारों से कर रहे हैं, आप जो पार्टी पावर में है और जिनका ये काम है ये करना, उनसे क्यों नहीं किया जा रहा है ये? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्वर्सेशन वेयर जो भी बैड न्यूज लेकर आता है वो एंटी नेशनल हो जाता है. आप अपने डॉक्टर के साथ ये करते हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं एंड ही सेज यू हैव अ डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, डू यू किल हिम और डू यू किल द कैंसर? विद्या, मेरा आखिरी सवाल है, आपने तो जैसे हमने शुरू किया, आपने कहा लगभग 18 साल आपने इस क्षेत्र के ऊपर, स्वास्थ्य प्रणाली के ऊपर आपने रिपोर्टिंग किया हिंदू के लिए, अभी अलग अलग वेबसाइट्स और अलग अलग अखबारों पब्लिकेशंस के लिए. आप हमें कहा, आप मत बताइए मैं कहाँ पे हूँ भारतवर्ष में, क्यों आपके पीछे लोग आपको धमकी दिया, यू आर फेस थ्रेट्स, आपका तस्वीर लेके मॉर्फ करके आप कह रहे हैं कि आप मुसलमान को मदद करने के लिए तैयार है, आप ये भी आरोप लगाया कि आपको पैसा मिल रहा है चीन से, आपको पैसा मिल रहा है, आप झूठा खबर वितरण कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि आपने ये लिखा कि भारत सरकार जो कह रहे थे पीपीई पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ये सच नहीं है. आपने आलोचना किया जिस तरह से हमारे केंद्रीय सरकार इस विषय के ऊपर सूचना दे रहे पत्रकार लोगों को, मीडिया को, और आपने ये भी लिखा है कि मोदी सरकार ने एक तरह से अनसाइंटिफिक अवैज्ञानिक एक सोच लोगों में फैला दिया. आप कह रहे हैं कि गौमूत्र, गोबर, होम्योपैथी में सब कुछ ठीक हो जाएगा. तो आज जिस स्थिति में हम लोग हैं, एक कानून है, ये पुराना कानून है, ये ब्रिटिश समय का कानून है, एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897, और भी है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो आपदा प्रबंधन का जो कानून है. आप क्या समझते हैं ये कानून का आज दुरुपयोग हो रहा है? आप जैसे पत्रकार के ऊपर, आपको हैरान करने के लिए आपके ऊपर जो दक्षिणपंथी, जो राइट विंग ग्रुप्स है, आपको एक तरह से हैरस कर रहे हैं इस विषय के ऊपर, आप कहिए. और दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, यू कैन रैप अप योर कमेंट्स. सो देयर इज अ एस्पेक्ट ऑफ आई वुड से अ बंच ऑफ इश्यूज विद इंडियन सोसाइटी दैट आर अमलगमेटिंग हियर इन माय अंडरस्टैंडिंग. ये जो डेथ थ्रेट्स हैं दे कम बिकॉज़ वी आर नॉट वी डोंट हैव अ साइंटिफिक टेंपरामेंट इन 2020 अंडर दिस लीडरशिप. Secondly, this is a very patriarchal society which does not like opinionated women. They do not, they question the expertise, especially if it is a gender minority. And all of these are coming together in this particular thing. And death threats and rape threats, they reflect poorly on the people who are sending it and on the government that is doing it. क्योंकि एक तरफ तो आप बोलते हो बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, और बेटी पढ़ लिख जाती है तो आप यू वांट टू रेप हर एंड किल हर. एंड आई नो आई हैव अ एडिटोरियल सपोर्ट फ्रॉम द मैगजीन्स दैट आई राइट अबाउट. एंड द ट्रूथ इज इफ पीपल रीड मेडिकल हिस्ट्री दे विल रियलाइज दैट अक्रॉस पैंडमिक्स, अक्रॉस हिस्ट्री एंड अक्रॉस नेशंस, पैंडमिक्स हैव बीन यूज्ड टू कर्टेल ऑन सिविल लिबर्टीज. And that is exactly what's happening in India right now. This is the country we live in. You don't get to choose the time you're born in. But then I have to continue reporting, and I will do what I've always been doing, which is to be loyal to the patients.
they are the ones who need support right now because they are sick. There is no money for testing, and that is a crisis. The migrant crisis is a crisis on top of that. The politics is another layer above it. But we are getting farther and farther away from what is happening in India's hospitals. And from everything that I know, I assure you, Indian's hospitals are a vision of hell right now. And that is falling farther and farther away from the newspapers because everyone is politicizing. Science is not right or left wing. Science is science. Usme left wing or right wing nahi hota science mein. Aapke upar सरकार का जितना राग है, जितना दुख है, आप जैसे पत्रकार के ऊपर है, क्योंकि आपने लिखा जिस समय सरकार और कुछ कह रहे थे कि हमारे देश में जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जितना होना चाहिए वो नहीं है, तो आप जो सच्चाई है वो ही आपने रिपोर्ट किया और आप द मैसेंजर इज बीइंग शॉट एट. वो तो ये कोई नई बात नहीं है. जब से सरकार पावर में आई है, इन्होंने मीडिया के साथ एक रिलेशनशिप रखा है जो एवरी टाइम देयर इज अ क्राइसिस वो रिलेशनशिप सिर्फ बिगड़ता जा रहा है. और 6 साल में अब ये इतना बड़ा क्राइसिस आया है और जब इनके पास कोई और ब्लेम करने के लिए नहीं होता तो ये जर्नलिस्ट को ब्लेम करते हैं जो नई प्रॉब्लम इनके सामने लाके बता रहे हैं कितना सीरियस इश्यू है. अबाउट बीइंग अ साइंस रिपोर्टर एंड फेसिंग दिस काइंड ऑफ अ बैकलैश, द ट्रूथ इज I grew up in a country which had scientific temperament. My idea of India is very different, which is plural, where people help each other, and it's not a divisive nation. और मैं अपना काम कर रही हूँ. मैं activist काम नहीं करती. मैं जो भी लिखती हूँ उसमें there is attribution. People are either on the record. If they are not, if they are anonymous. There is sourcing and there is double sourcing. Sometimes there's data to back up what we are saying. एक-एक story लिखने process की समझ नहीं है जो हर चीज को fake news बोले. Critical news और fake news में बहुत फर्क होता है. Journalist मैं गलतियां भी करती हूँ, पर अगर मेरी report में कोई गलती हुई इसका मतलब ये नहीं कि मुझे China से पैसे मिले हैं इसलिए मैंने वो गलती करी है. गलतियां सबसे होती हैं. पर अगर आज तो सब मैंने मार्च में बोला था, ये स्टोरी हमने मार्च में कैरवान के लिए करी थी कि पीपीई स्टॉकपाइल नहीं किया, और अब तो आज हम जून में हैं और ये पता है क्या सच है कि क्या सच है क्या झूठ है, ये तो अस्पतालों में दिख ही रहा है. तो क्रिटिकल न्यूज, फेक न्यूज, जेन्युइन मिस्टेक, ये सब अलग अलग कैटेगरीज हैं. इस सबको लंप करके जर्नलिस्ट को ब्लेम करना बहुत आसान है, बट उससे कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है. काफी सारे लोग मर रहे हैं, शायद जर्नलिस्ट भी मर जाएंगे उसमें, पर सिचुएशन नहीं बदलेगी. जो बचेगा एंड में उसको तब भी इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आज पूरी दुनिया में ये हो रहा है. ये बीजेपी नहीं लाई है इंडिया, ये पूरी दुनिया में हो रहा है. द फैक्ट इज बाकी हर गवर्नमेंट इसको ट्रांसपेरेंटली डील कर रही है. बोरिस जॉनसन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप डेली मीडिया ब्रीफिंग करते हैं ना, हमारे स्वास्थ्य मंत्री ब्रीफिंग के लिए आते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री ने तो कभी ब्रीफिंग नहीं. दैट इज आई एम अ पेट्रियट फॉर सेइंग दैट, एंड आई विल नॉट हैव एनी, नो वन गेट्स टू सर्टिफाई वेदर आई एम पेट्रियट और नॉट. सो दिस इज नॉट इवन अ कन्वर्सेशन फॉर मी. थैंक यू, धन्यवाद विद्या, आपका समय आपने न्यूज क्लिक का दर्शक को दिया. आप रिपोर्ट करते रहिए. मोर स्ट्रेंथ टू यू. धन्यवाद. थैंक यू फॉर टेकिंग ओवर. और आप देखते रहिए न्यूज क्लिक.